अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च पनीर की बहुत ही टेस्टी सब्जी। और इसके लिए हमें चीजें चाहिए। 300 ग्राम मैंने शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने चौकोर काट लिया है। 300 ग्राम मैंने पनीर लिया है, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इसको मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। 1 लार्ज साइज की मैंने प्याज ली है, इसका मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और गार्निश के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी और 1 टीस्पून नमक लिया है। आप नमक और लाल मिर्च को हसबे जरूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ले लिए बॉ और इसमें मैंने ऑयल को प्रीहीट करने रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम शिमला मिर्च को इसमें ट्रांसफर करेंगे। यह मैं शिमला मिर्च को डीप फ्राई कर रही हूँ, आप इसको शेलो फ्राई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर चॉइस। हमें शिमला मिर्च को मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर ये जल जाएगी। शिमला मिर्च फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको किसी बॉल में निकाल लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो सारी शिमला मिर्च को मैंने बाहर निकाल लिया है, अब हम इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल कम कर देंगे। बस 3 से 4 टेबल स्पून इसमें ही रहने देंगे। और इस तेल को हम जाया नहीं करेंगे, किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। और डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे इसमें टमाटर। और ये सारे स्पाइसेस, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, और इसको भून लेंगे जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेंगे मसाले को। तो मैंने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी इस्तेमाल करा है मिक्सर जार को खंगाल कर। अब हमें इसे भूनना है। मसाला हमारा भुन गया और इससे ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ट्रांसफर करेंगे शिमला मिर्च जो हमने फ्राई करके रखी हुई है। इसको मसाले में मिक्स कर लेंगे। और साथ में डालेंगे ये पनीर। मिक्स करेंगे। अब हम इसको 5 मिनट ढककर और पका लेंगे लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैं इस पर गार्निश कर दूंगी हरे धनिए से और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है शिमला मिर्च पनीर के मजेदार सब्जी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।